नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 24 अगस्त 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्रीज़ प्राइम मिनिस्टर फूमियो किसिदा अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन इन अगस्त 2024। तो किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किसिदा ने अगस्त 2024 में अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है? तो जापान के प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने इस्तीफा अगस्त में दे दिया है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है किसे, तो एम सुरेश एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंटरिम चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, ये भारत में जो हवा एयरपोर्ट वाली जो पूरी सुविधा है उसको यहाँ पर ये मेंटेन करते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, अभी इससे पहले संजीव कुमार थे, जो संजीव कुमार के हटने के बाद अब एम सुरेश को इंटरिम चेयरमैन बनाया गया है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा टीवी सोमनाथन ये कैबिनेट सेक्रेटरी भारत के नियुक्त हुए हैं। मोहम्मद यूनुस ये इंटरिम बांग्लादेश के इंटरिम जो सरकार चल रही है उसके इंटरिम हेड चुने गए। हरिबाव किशन राव बागड़े ये नए गवर्नर राजस्थान के नियुक्त हुए हैं। और कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम ये MD चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेडरल बैंक के नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली को होस्टिंग अ कॉन्फ्रेंस ऑन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन विद यूरोपियन यूनियन? तो हाल ही में कौन सा देश यूरोपियन संघ के साथ ऑनलाइन कट्टरपंथ पर एक सम्मेलन की सह मेजबानी कर रहा है? तो ये यूरोपियन संघ के साथ भारत इसकी कट्टरपंथ के पर एक सह मेजबानी एक सम्मेलन कर रहा है। तो यूरोपियन यूनियन और भारत मिलकर एक कट्टरपंथ सिस्टम में कट्टरपंथ से रिलेटेड एक सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं जिसमें यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर शामिल हुए और भारत भी इसमें एक मेंबर शामिल है। आगे अब जो नेशन संबंधित करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा भारत की रैंक 39 रही ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई। मोइडेम्स एक साइट है, असम में लोकेटेड है, इसको 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। राजस्थान की गवर्नमेंट जो पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए माइनॉरिटीज रिफ्यूजीज़ हैं उनके लिए स्पेशल कैंप आयोजित कर रहा है जिससे कि उनको इंडिया की सिटीजनशिप दी जा सके। इंडिया होस्ट कर रहा है पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट को गोवा में। और आसाम में 56 लोग और लगभग 21 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए थे फ्लड के कारण। अगला, अगर आप कोई ईबुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ईबुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन डेजिग्नेट ऑफ नैस्कॉम? तो नैस्कॉम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो नैस्कॉम के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं राजेश नाम्बियर। यहाँ पर जो नैस्कॉम है उसके अध्यक्ष उसके चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। नैस्कॉम जिसकी फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है, जो इनका कार्यकाल नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अगला, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन इशूड वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन रिमूवल बॉन्ड टू फंड
अमेज़न रिफॉरेस्टेशन। तो हाल ही में किस संगठन ने अमेज़न पुनर्वनीकरण को वित्त पोषित करने के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है? तो ये किसने, वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी रिसेंटली में पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड इन्होंने जारी किया, जो कि अमेज़न रिस्टोरेशन के लिए ये फंड यूज़ किया जाएगा। अमेज़न को साउथ अमेरिका का लंग भी या धरती का लंग भी कहा जाता है। वहाँ पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है, पेड़ों की जो संख्या है, बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये उसको पदवी दी गई। इसीलिए अमेज़न में आप लगातार फायर भी सुन रहे होंगे, जो फॉरेस्ट फायर है वो भी सुन रहे होंगे, उससे बहुत ज़्यादा क्षति वहाँ हुई है। इसीलिए कार्बन रिमूवल बॉन्ड अभी वर्ल्ड बैंक ने उसके रिफॉरेस्टेशन के लिए जारी किया है। ठीक, इसे वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वॉशिंगटन यूएस में इसका हेडक्वार्टर है, 189 कंट्रीज इसके मेंबर, और भारतीय ओरिजिन और अजय बंगा इसके प्रेसिडेंट। अगला, काकरा पर एटॉमिक पावर स्टेशन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हाल ही में खबरों में रहा काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। गुजरात थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ये इंडिया का सेकंड है जो कि 700 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर के माध्यम से एनर्जी जनरेट कर रहा है और इसीलिए ज़्यादा चर्चाओं में आया है। ये फुल कैपेसिटी, लगभग 90% कैपेसिटी से ऑपरेट हो रहा है। अगर अलग अलग जो हमारे पावर प्लांट्स की बात करें तो काकरा पारा जो गुजरात में है, और मद्रास का कलपक्कम तमिलनाडु में है, नेवरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटका में, राजस्थान एटॉमिक पावर तो राजस्थान में ही है, तारापुर महाराष्ट्र में, और कुंडकुलम तमिलनाडु में अवेलेबल है। आगे गुजरात में ही अवेलेबल है काकरा पारा। तो उसकी बात करें तो इसको 1960 में राज्य के रूप में बनाया गया। गांधीनगर इसकी कैपिटल है, 33 इसके डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत है, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां पर 182 सीट्स, राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 26 सीट्स आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो गिर नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, मैराइन नेशनल पार्क, जाम्बू गौड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वजदा नेशनल पार्क, बर्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हैं। अगला, इन विच स्टेट वॉज महाराष्ट्र फर्स्ट सोलर विलेज इनॉग्रेटेड? तो महाराष्ट्र के पहले सौर गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो सौर गांव का उद्घाटन सतारा में, महाराष्ट्र में किया गया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने पहला सोलर विलेज महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया, सतारा डिस्ट्रिक्ट में ये इनॉग्रेट किया गया है। और इसके माध्यम से जो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो 100% सोलर पावर के माध्यम से बिजली को इस गांव में पहुंचाएगी। अगला, महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र को भी राज्य के रूप में 1960 एक मई को बनाया गया। कैपिटल इसकी मुंबई नागपुर है, डिस्ट्रिक्ट 36, गवर्नर सीपी राधाकृष्णन, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, और बाइकैमरल यहाँ की लेजिस्लेचर है, जहाँ की असेंबली में 288 सीट्स, काउंसिल में 78 सीट्स आती हैं, राज्यसभा में 19 और लोकसभा में 48 सीट्स यहाँ पर होती हैं। महाराष्ट्र के डांस की बात करें तो ढांगरी गाजा, खोली, लवानी, पवदास, तमाशा, डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क में चंदोली नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला, इन विच इंडियन स्टेट वॉज द फर्स्ट काउ डंक गैस प्लांट इनॉग्रेटेड अंडर द गोबर गैस धन योजना? तो गोबर गैस धन योजना के तहत पहला गोबर गैस संयंत्र किस भारतीय राज्य में उद्घाटित किया गया? तो ये पहला गोबर गैस संयंत्र है और भारत का है, और ये बिहार में इनॉग्रेट किया गया। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बिहार में भी जो भोजपुर खुतहरी विलेज है वहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया है, और यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये लगभग 6 लाख
इसमें कॉस्टिंग लगी है, और इसके माध्यम से जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी वाला सिस्टम है वो आगे बढ़ पाएगा, इसीलिए इसको यहाँ पर किया गया। और यूनिसेफ का इसको सपोर्ट है, यूनिसेफ इसमें जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए सपोर्ट कर रहा है। और अगर इस प्रकार की एनर्जी सस्टेन होती है तो इसको बड़े लेवल पर, जिससे कि एनवायरनमेंट को कम पॉल्यूट करके इसको डेवलप किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विच एलिमेंट्स आर जनरली यूज इन द एटॉमिक क्लॉक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो हाल ही में समाचारों में देखी गई परमाणु घड़ियों में आमतौर पर किन तत्वों का उपयोग किया गया है? तो ये सीजियम का उपयोग किया गया है। अगर सीजियम में भी बात करें तो सीजियम में जो इनका एक 133 वाला आइसोटॉप है उसको यूज़ किया गया, और ये जो अभी एटॉमिक क्लॉक्स हैं उसमें इसका यूज़ किया जा रहा है, जो कि जीपीएस, टेलीकॉम और रिसर्च के क्षेत्र में इन क्लॉक्स का यूज़ किया जाता है। अगला, रिसेंटली द साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड अ रिजर्वायर ऑफ लिक्विड वाटर ऑन विच प्लैनेट। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर तरल पानी का भंडार खोजा है? तो तरल पानी का भंडार अभी मार्स में वैज्ञानिकों के द्वारा, कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स के द्वारा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के साइंटिस्ट हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के लिए कार्य करते हैं, इन्होंने लिक्विड वाटर अभी रिसेंटली में मार्स में डिस्कवर किया है। अगला, When is National Space Day celebrated? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम 23 अगस्त को ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहली बार इसको हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार भारत चंद्रयान 3 मिशन के माध्यम से साउथर्न पार्ट पे मून में लैंड किया था इसी दिन, इसीलिए इस डे की इम्पोर्टेंस को दिखाते हुए, स्पेस जर्नी को दिखाते हुए भारत 23 अगस्त को वो नेशनल स्पेस डे के रूप में ऑब्जर्व कर रहा है। ध्यान रखिएगा, विक्रम लैंडर का यूज़ करके चंद्रयान 3 को यहाँ पर हमने सक्सेस किया, और जहाँ पर उतरा था भारत का रॉकेट वो उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा गया था, साउथ पोल में उतरा था। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करें तो प्राइम मिनिस्टर जापान के फूमियो किसीदा ने रेजिग्नेशन दे दिया है, और चेफ डी मिशन इंडियन दल के लिए पैरिस पैरालंपिक में सत्य प्रकाश सांगवान को सिलेक्ट किया गया। नेशनल जियो साइंस अवार्ड ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा दिया जाता, अरेंज कराया जाता है पूरा सिस्टम कि किसको देना है, किसको क्या करना है, लेकिन देते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। यूएई में वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया जाएगा बांग्लादेश की जगह, और शिव वालिया ये HCL टेक्नोलॉजीज़ के CFO नियुक्त हुए हैं। जापान और भारत ने एग्रीमेंट साइन किया है ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट के लिए, और शक्तिकांत दास इनको A+ की रेटिंग ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड के द्वारा दी गई है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पहला इंडिया का एयरपोर्ट बना जो नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का स्टेटस प्राप्त कर चुका है। नई दिल्ली में फर्स्ट पॉलिसी मेकर फोरम ऑर्गेनाइज कराई गई। हिमाचल प्रदेश जो कि मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना को लॉन्च कर चुका है, जिसके माध्यम से अंडा और ब्रेड बच्चों को दिया जाएगा। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।